आईपीएल 2023 का चैंपियन कौन होगा ये तय हो गया। ये आंकड़े देखिए, फिर आप भी अपनी राय दीजिए। ये आईपीएल है बॉस, इसका गणित ही कुछ और है। या नंबर दो होना मतलब ही नंबर एक होना है। ये आंकड़े देखकर तो आप भी बोल उठेंगे कि आईपीएल 2023 का चैंपियन मिल गया। आईपीएल 2023 अब अंतिम पड़ाव पर है, अब सभी की निगाहें प्लेऑफ्स पर टिकी है। लगभग दो महीने की घमासान के बाद अब वो वक्त आ गया है जब आईपीएल 2023 के चैंपियन का ऐलान होने वाला है। गुजरात के फिलहाल 18 अंक हैं और टीम पहले स्थान पर रहकर ही प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करेंगी। वहीं चेन्नई और लखनऊ दोनों के 14-14 मैच खेल लिए हैं और 17-17 अंकों के साथ लीग राउंड को समाप्त किया है। लखनऊ से बेहतर रन रेट की वजह से चेन्नई की टीम दूसरे स्थान पर रहेंगी, वहीं करुणाल की टीम तीसरे स्थान पर रहेंगी। हालांकि इस बीच एक अजीब संयोग सामने आया है जिसके मुताबिक फाइनल खेलने वाली टीम का पता चल गया है। आज इस वीडियो में आपको बताएंगे कि पिछले 12 सीजन के संयोग के अनुसार कौन सी टीम का इस बार फाइनल में पहुंचना पक्का है। इसके लिए वीडियो आपको अंत तक देखना होगा। कहते हैं कि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है या प्रेडिक्शन फेल है, पर फिर भी हम आपको आज जो बताएंगे, जो आंकड़े दिखाएंगे, उसके बाद तो आप भी मानेंगे, क्योंकि आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते। दरअसल आईपीएल में 2011 में पहली बार प्लेऑफ वाला फॉर्मेट सामने आया था जिसमें क्वालिफाइड तरीके से फाइनलिस्ट तय होते हैं। तब से लेकर अब तक 12 सीजन में लीग राउंड में पॉइंट्स टेबल में दूसरे स्थान पर रहने वाली टीम फाइनल में जरूर पहुंची है। 2011 में चेन्नई, 2012 में कोलकाता नाइट राइडर्स, 2013 में मुंबई इंडियंस, 2014 में कोलकाता नाइट राइडर्स, 2015 में मुंबई इंडियंस, 2016 में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, 2017 में राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स, 2018 और 19 में CSK, 2020 में दिल्ली कैपिटल्स, 2021 में CSK और 2022 में राजस्थान की टीम दूसरे स्थान पर रहकर प्लेऑफ में पहुंची थी और फाइनल के लिए भी क्वालिफाई किया था। ऐसे में इस सीजन चेन्नई की टीम ने दूसरे स्थान पर रहते हुए लीग राउंड को खत्म किया है। अब देखने वाली बात होगी कि टीम फाइनल में पहुंच पाती है या नहीं। हालांकि संयोग के मुताबिक धोनी का फाइनल में जाना तय है। वहीं अगर ट्रॉफी जीतने की बात हो तो इन 12 सीजन में 7 बार ऐसा हुआ है कि लीग राउंड के बाद दूसरे स्थान पर रहने वाली टीम ने ट्रॉफी पर कब्जा जमाया है। ऐसे में CSK के पास मौका है इस साल फिर से ट्रॉफी जीतने का। आपको बता दें कि चेन्नई सुपर किंग्स प्लेऑफ में पहुंचने के मामले में सबसे सफल टीम है। टीम अब तक 14 सीजन में से 12 में प्लेऑफ में पहुंचने में कामयाब रही है। 2016 और 2017 में चेन्नई को सस्पेंड किया गया था। इसके अलावा चेन्नई 2020-2022 की लीग स्टेज में बाहर हो गई थी। वहीं 2010, 2011, 2018 और 2021 में टीम चैंपियन बनी थी, जबकि 2008, 2012, 2013, 2015 और 2019 में टीम रनर अप रही थी। आपको बता दें कि सारी कामयाबी चेन्नई ने धोनी की कप्तानी में ही हासिल की है। धोनी ने 2008 से लेकर अब तक 233 मैचों में चेन्नई की कप्तानी की है और 140 में जीत हासिल की है और 90 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। एक मैच टाई रहा और दो मैचों में कोई नतीजा नहीं निकला। इनमें आईपीएल और चैंपियंस लीग के मैच भी शामिल है। सिर्फ आईपीएल में धोनी ने CSK और पुणे को मिलाकर 224 मैचों में कप्तानी की है और 131 में जीत दिलाई है। वहीं 91 मैचों में टीम को हार का सामना करना पड़ा है, दो मैचों का कोई नतीजा नहीं निकला है। माना जा रहा है कि धोनी का यह अंतिम आईपीएल सीजन हो सकता है। ऐसे में CSK की टीम के पास अपने कप्तान को विनिंग ट्रिब्यूट देने का यह शानदार मौका होगा। इस आईपीएल में कई ऐसे मौके आए हैं जिसमें धोनी ने खुद यह जता दिया है कि आईपीएल 2023 उनका आखिरी आईपीएल सीजन हो सकता है। हालांकि टीम मैनेजमेंट से लेकर धोनी के फैंस तक सभी चाहते हैं कि धोनी खेलता रहे, बस खेलता रहे। अब देखने वाली बात होगी कि इस आईपीएल के बाद धोनी क्या फैसला लेते हैं।